फिरोजाबाद के नगर सिकावाद में आज पर्यावरण मित्र द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी, पीएस ग्लोबल एकेडमी, क्रिस्टो ग्लोबल एकेडमी, सरस्वती विद्या मंदिर एवं मधानता शिक्षण संस्थान के 111 विद्यार्थियों के मध्य धरती के जानलेवा राक्षस, गंदगी और प्लास्टिक विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को इन सामाजिक कुरीतियों से जोड़ते हुए पर्यावरण चेतना के प्रति उन्हें जागरूक करना। जहां कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची आईएएस उप जिलाधिकारी एकता सिंह ने कहा कि बच्ची की जागरूकता किसी भी कुरीति और खत्म करने का एक मुख्य साधन है। वहीं कार्यक्रम में सुखावा नगर पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम ने कहा कि हमें न सिर्फ 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में सुखावाद को प्रथम लाना है, बल्कि स्वच्छता को अपने दैनिक दिनचर्या का एक अंग बनाना है। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रजनी यादव ने सभी विद्यार्थियों को कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद दिया। सुखावाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। आज यहाँ पर्यावरण मित्र ऑर्गेनाइजेशन ने एक चित्रकला का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसका टॉपिक था कि धरती के जानलेवा राक्षस, गंदगी और प्लास्टिक। आज का इस कंपटीशन के थ्रू, इस प्रतियोगिता के थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एक बार हम यूज करते हैं उसको, वो हमेशा ऐसे ही रहती है, वो डिग्रेड नहीं होती है और हमारे जो पर्यावरण है उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है। तो बच्चे, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, तो उनके थ्रू ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा के, उनको पार्टिसिपेट करवा के हम सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लास्टिक का जो यूज है वो बिल्कुल ना करें, उसको बिल्कुल हम 100% खत्म कर दें। और साथ ही जो गंदगी की समस्या है उससे निजात पाने के लिए स्वच्छता का मैसेज दे रहे हैं बच्चों के थ्रू, और यही बता रहे हैं कि अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को स्वच्छ रखें, साफ रखें, जिससे कि जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड हम देख रहे हैं, हमें वायु प्रदूषण की आजकल हम इसकी जो क्या क्या हानि है उसको हम फेस कर रहे हैं, उससे निजात पा सकें। यही एक स्वच्छता से रिलेटेड मैसेज दिया गया है और ये कॉम्पिटिशन